आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रकार की प्रोग्रामिंग है जिससे मशीन किसी इंसान की तरह काम करता है, जैसे कि देखना, सुनना, बोलना, प्रेडिक्ट यानी अनुमान लगाना, रचनात्मक काम करना जैसे गाने लिखना, पेंटिंग करना इत्यादि। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तीन प्रकार का होता है, नैरो यानी जिसका एरिया कम हो, ये किसी खास काम को ही अच्छी तरह से कर सकता है, जैसे यूज़र से बातचीत करना, चेहरा पहचानना या मेल से स्पैम मेल को डिटेक्ट करके हटाना। स्पैम मतलब जो एड्स मेल होते हैं जो कंपनी की तरफ से आते हैं। एलेक्सा, कोर्टाना नैरो एआई के एग्जांपल्स हैं। जनरल एआई पर अभी रिसर्च हो रहा है और ये केवल साइंस फिक्शन तक ही सीमित है। जनरल इंटेलिजेंस मतलब ह्यूमन बीइंग के जैसे ही सारे डिसीजन लेना और जिस तरह कोई इंसान अपने ज्ञान को अलग अलग परिस्थितियों में इस्तेमाल करता है वैसे ही मशीन भी कर पाएगा। सुपर एआई अभी काल्पनिक है, ऐसे सिस्टम को अपने अस्तित्व का ज्ञान होगा और ये कोई भी डिसीजन सोच समझकर तर्क के आधार पर ही लेंगे और इनमें इमोशंस भी दिखाई पड़ेगा। प्रोसेस ऑटोमेशन मतलब किसी काम के सीक्वेंस को ऑटोमेटिक कर देना है, यानी मशीन के द्वारा उस काम को करवाना। ह्यूमन बीइंग्स एक प्रकार के काम करते करते थक जाता है या बोर हो जाता है, जिससे उनकी काम करने की क्षमता धीमी या कम हो जाती है। ऐसे काम को हम इंटेलिजेंट मशीन्स को दे देते हैं। इंटेलिजेंस मशीन्स एआई पर चलते हैं और उनको किसी व्यक्ति के इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और व्यक्ति अपने आप को बेहतर और क्रिएटिव काम पर लगा सकता है। एआई सिस्टम्स ढेर सारे डाटा से भी इंफॉर्मेशन जल्दी निकाल सकता है और इंसान से कई गुना तेज काम करता है। एक्यूरेसी मतलब शुद्ध या सटीक जवाब। एआई सिस्टम को फॉल्ट फाइंडिंग या गलतियां ढूंढने के कार्य में भी लगाया जाता है, क्योंकि किसी मशीन में हल्का क्रैक या कमी जो कि आंखों से देखना मुश्किल हो उन्हें भी आसानी से ढूंढ सकता है। एनालाइज मतलब किसी चीज़ को समझना। क्विकर डाटा एनालिसिस मतलब डाटा या रॉ फैक्ट्स को देखकर और प्रोसेसिंग करके उनमें से इंफॉर्मेशन या ट्रेंड निकालना। अगर डाटा की मात्रा ज़्यादा हो तो उसको समझने में इंसान को काफ़ी समय या दिन लग सकता है, मगर एआई सिस्टम उसको काफ़ी कम समय में प्रोसेस और एनालाइज कर सकता है। रियल टाइम मतलब वास्तविक समय, यानी जिस वक्त एआई सिस्टम को डाटा दिया जाता है एआई सिस्टम उसी वक्त डाटा को एनालाइज कर लेता है। एआई सिस्टम न्यायपूर्ण डिसीजंस लेता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग डिसीजंस लेते वक्त कई प्रकार के इमोशंस का सामना करता है जो कि उसके डिसीजन को प्रभावित कर सकते हैं, जबकि एआई सिस्टम के अंदर ये इमोशंस नहीं होते, इसलिए डिसीजन लेने में ये गलतियां कम करता है। एआई सिस्टम का उपयोग उन कार्यों के लिए भी किया जाता है जो कि इंसानों के लिए खतरनाक हो, जैसे कि स्पेस में खोज करना, समुद्र में नीचे जाना या खुदाई या खनिज पदार्थ ढूंढने में मदद करना। आइए अब देखते हैं एआई से क्या नुकसान है। सबसे पहले ये बहुत कॉस्टली है, क्योंकि जो डेवलपर्स एआई सिस्टम पर काम करते हैं उनकी सैलरी ज़्यादा होती है, क्योंकि इस फील्ड पे लोग कम हैं। इसके अलावा एआई सिस्टम्स के लिए एडवांस हार्डवेयर और अपडेटेड सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जो कि एआई की कॉस्ट को और बढ़ा देता है। एआई सिस्टम के ज़्यादा उपयोग से यूज़र उस पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं और वो अपने दिमाग या शरीर का कम उपयोग करते हैं, जिसके कारण वो आलसी भी हो जाते हैं। आगे चलकर ऐसे लोग आराम करने के आदी हो जाते हैं। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में एआई सिस्टम का उपयोग होता है तो कई एम्प्लॉयज़ जिनकी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस कम हो उनकी नौकरी चली जाती है। इस प्रकार से रोज़गार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। एआई सिस्टम उन परिस्थितियों में बहुत अच्छा काम कर सकता है जिस पर उसकी ट्रेनिंग हुई हो, मगर कोई नई समस्या आने पर एआई सिस्टम फेल हो जाता है या गलती कर देता है।